15 गांव के किसानों के धान गेहूं सुरक्षित समितियों में रखे जा सके, जिससे किसानों का अनाज खराब ना हो और अच्छा रेट मिल पाए। इसके लिए 1,89,00,000 रुपए की लागत से 20 लाख मैट्रिक टन का गोदाम कार्यालय सहित सर्वेंट क्वार्टर बनाकर दिया जाएगा, जिसका शिलान्यास किया गया। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए समिति में लंबी लाइन लगानी पड़ती है। समिति में जगह कम होने की वजह से अनाज को बाहर रखना पड़ता है। ऐसे में जब बारिश हो जाती है तो पूरा अनाज खराब हो जाता है। किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सिंगरौली जिले के 13 सहकारी समिति अंतर्गत 15 गांव के किसानों को विधायक सिंगरौली राम लल्लू वैश्य ने बड़ी सौगात दी है। सिंगरौली विधायक ने बताया कि स्थानीय 15 गांव के लोगों की मांग थी कि धान और गेहूं सुरक्षित रखने की समिति में जगह ना होने की वजह से बाहर रखना पड़ता है। बारिश से गेहूं व धान भीग जाता है, हम लोगों का काफी नुकसान होता है और उपज का सही रेट नहीं मिल पाता है। इस वजह से 15 गांव के किसानों के लिए 20 लाख मैट्रिक टन का गोदाम कार्यालय सहित सर्वेंट क्वार्टर बनाकर दिया जाएगा, जिसकी निर्माण लागत 1,89,00,000 रुपए होगी। विधायक द्वारा गोदाम निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया। अंतर्गत गांव के लिए जहां धान और गेहूँ के उपार्जन होते हैं और भंडारण की व्यवस्था नहीं है, इसी तरह तारतम्य सोसाइटी के लिए पूरे जिले में भंडारण का टेंडर हुआ था और सब जगह निर्माण चल रहे थे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमारा 13 का बिल्डिंग था, 4 तारीख जैसे खुला लॉकडाउन, ऐसे ही उसका कल भूमि पूजन किया और 2000 मेट्रिक टन क्षमता का यह 1,89,00,000 रुपए की उसमें गोदाम ऑफिस होली इत्यादि का निर्माण होना है और बहुत ही आवश्यकता किसानों के हित में, क्योंकि उनके गल्ला का सही बरसात में भी पानी आ जाती थी, वैसे ही बेमौसम के भी पानी बरसते हैं, तो कम से कम आप उसको रखरखाव के लिए यह निर्माण हो जाने से। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।